सब्सक्राइब करो अमारी न्यूज चैनल ने अने बेल आइकॉन क्लिक करवानो भूलता नहीं। हवे जोईए समाचार विस्तार थी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवस माटे गुजरातना प्रवासी छे, त्यारे तेमणे आजे सानंद तालुकाना निधराळ खाते योजायेला कार्यक्रममां हाजरी आपी हती। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरातना 3 दिवसना प्रवास उपर छे, त्यारे आजे तेओए सानंदना निधराळ खाते कार्यक्रममां हाजरी आपी हती। अमदावाद जिल्लाना सानंद तालुकाना निधराळ खाते योजानारा आ कार्यक्रममां सगर्भा बहनोने पौष्टिक लाडूनुं वितरण करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रममां अमदावाद जिल्लाना सानंद बावड़ा अने दसक्रोई तालुकानी 3844 जेटली सगर्भा बहनोने पौष्टिक लाडूनुं वितरण करायुं हतुं। सही पोषण देश रोशन तेमज हर घर पोषणना विचारने सार्थक करता आ कार्यक्रमना लाभार्थी बहनोने संबोधीने केन्द्रीय गृहमंत्रीए पण पत्र लख्युं छे। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन कोई निमंत्रण के बगैर देश और दुनिया में करोड़ों लोग अपने घर में अपने खर्चे पर मनाते हैं और उनके जन्म के लिए लोगों को बधाई देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब पूरे देश को जरूरत थी कि धर्म के आधार पर चलने के लिए कोई रास्ता दिखाए, और एक बहुमुखी बहुआयामी व्यक्तित्व जो कहने के तो कभी राजा नहीं बन पाए, मगर एक ही व्यक्ति विश्व के सुप्रसिद्ध मल्ल को हरा पाए, इस प्रकार के मल्ल विद्या में प्रवीण, सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, सबसे बड़े धनुर्धारी थे, सबसे बड़े तत्वचिंतक थे जिन्होंने गीता की रचना की और पूरा जीवन भारतवर्ष का भ्रमण किया और पूरे देश में धर्म की स्थापना की। और हम सब गुजरातवासियों के लिए ये हमेशा गर्व का विषय रहता है कि गुजरात श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। गुजरात की ही द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, मैं देश भर के दुनिया भर के करोड़ों लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे लिए और महत्वपूर्ण दिन है कि आज ही पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश ने 4 मेडल जीते हैं और 4 मेडल जीतकर दुनिया में भारत